साथ मजाक करता है, हम जैसे छोटे यूट्यूबरों के साथ मजाक करता है, हम लोग के फीलिंग के साथ मजाक करता है। अरे बाबा जी, यूट्यूब वाले बाबा जी। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग चल रहे हैं ब्लॉग बनाने के लिए। अच्छे चला साइकिल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितने लोग आए हैं, ठीक है, ब्लॉग बनाने के लिए। 2, 4, 6, 7, वैसे 8 लोग है। देखिए यहाँ पे, देखिए कितना लोग, सब हमारे गांव के जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी के अंदर प्यार बसा है यूट्यूब का। जुनून इतना ज्यादा इन सभी के अंदर है ना कि मैं देखिए, यहाँ पे टाइम भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। यहाँ पे लगा दूंगा स्क्रीन शॉट। पूरा दोपहर में 1 बजे, सोचिए, जो कि सोने का टाइम होता है लोगों का, और हम पूरा अकेले इन सभी के अंदर इतना ज्यादा मोटिवेट किया इन लोगों को और बताए हैं यूट्यूब के बारे में। आज से ही नहीं बल्कि पिछले 6 महीनों से, और मेरा एक पेमेंट भी आया था जिससे मैंने मोबाइल लिया था, और उससे और भी इन सभी का हौसला बुलंद हुआ और सभी के सभी यहाँ पे देखिए यूट्यूबर बनने के लिए तैयार हो गए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी हम लोग चल रहे हैं उधर खेत के तरफ, बनाएंगे वीडियो, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। यूट्यूब वाले बाबा जी गलत इन्फॉर्मेशन देता है यूट्यूब वाला बाबा, हम उस पर कदम उठाएंगे। यूट्यूब वाला बाबा की मुर्दाबाद। दोस्तों देखिए, यहाँ पे कितना धूप है और हम सभी यहाँ पे चौर में निकल चुके हैं अपने खेत की तरफ वीडियोस बनाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कितना तगड़ा धूप है, और ये देखिए सभी बच्चे जी के, देख सकते हैं ये सभी के अंदर यूट्यूब का प्यार बसा हुआ है। पूरे जुनून के साथ ये सब यूट्यूब पे काम करते हैं। बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए, उसके बाद से हम सभी भी एक ना एक दिन ट्रेंडिंग में आएंगे। तो यूट्यूब। तो देखिए, अभी हम एक जगह आ चुके हैं, देखिए यहाँ पे सारे बंदे हमारे आ चुके हैं। यूट्यूब वाले बाबा की मुर्दाबाद। गलत इन्फॉर्मेशन देता है, हम लोगों के साथ मजाक करता है, हम जैसे छोटे यूट्यूबरों के साथ मजाक करता है, हम लोग के फीलिंग के साथ मजाक करता है। कुछ समझ नहीं आता है, बार बार बोलता है ये टैग डालो, ये टाइटल डालो, यहाँ से कॉपी पेस्ट करो और यूट्यूब से लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ, और खुद को ही छापता है। और क्या कर देता है पता है, दूसरों लोगों के पास जाता है, गरीबों के पास। ये सबसे अच्छा बात लगता है कि उनको मोबाइल देता है, बस इसी सभी की वजह से लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसका टैग कैटेगरी का चैनल नहीं रहना चाहिए। हम सब कदम उठाएंगे और एक नहीं 100 वीडियो बनाएंगे, लेकिन टैग कैटेगरी का चैनल नहीं रहना चाहिए। क्यों हम सभी फीलिंग के साथ मजाक कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें छोटे यूट्यूबर के साथ। क्या ये गलत कर रहा है कि नहीं? गलत कर रहा है ना, ये काम नहीं करना चाहिए ना। यूट्यूब वाले बाबा की मुर्दाबाद। देखो यार, कहता है कि गूगल से कॉपी करो, यूट्यूब पे पेस्ट करो, लाखों कमाओ। अगर ऐसा होता तो सिर्फ एक चैनल पे नहीं काम करता हूँ, 10-10 चैनल्स खोल लेता और 10-10 चैनल से यूट्यूब पे कॉपी पेस्ट करके पैसा कमाता, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। ये एक नंबर का गलत बंदा है और हम सभी छोटे यूट्यूबर के फीलिंग के साथ मजाक करता है, केवल हम लोग का टाइम वेस्ट करता है। इसका तो हमें वीडियो ही नहीं देखना चाहिए। देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए ना, कभी भी इनका वीडियो नहीं देखना चाहिए। केवल झूठ इन्फॉर्मेशन हम सभी को देते हैं, ठीक है। यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, इनके पास पैसा है तो ये फेमस है, पैसा नहीं होता तो फेमस नहीं होते। बुद्धि तो भी लगाते हैं, बुद्धि बहुत ज्यादा है इनके पास, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक आती है उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन ये टैग कैटेगरी के वीडियोज नहीं बनाते उतना, सिर्फ दिन भर में एक आएगा टैग कैटेगरी का, वो भी आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन यार 2-3 वीडियो तो वैसे ही फेक करियर बस पड़ेगा ट्रेंडिंग टॉपिक पे, आरिफ सारिस का प्यार, ये वो, मतलब कि यार टैग कैटेगरी का यूट्यूब का अपडेट तो हमको लगता है कि कितना दिन हो गया होगा इस बंदे को देते हुए। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये मतलब वीडियो किस लिए बनाया गया है। यार आप सभी हम लोग को भी सपोर्ट कीजिए, हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। बहुत मेहनत करते हैं, इतने धूप में आके यहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं। तो अच्छा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर ले, इतना मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।